हेलो दोस्तों, जय माता दी। हमारे किचन किंग चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम आज आपके लिए एक नई डिश लेकर लाए हैं, जो है हरी मिर्च का अचार, चिल्ली अचार। आप इसके लिए सामग्री जान लीजिए। ये हमने 100 ग्राम मिर्च डंडी तोड़ के रखी हुई है, और ये साबुत मेथी, ये साबुत राई, ये साबुत सौंफ, और ये हल्दी पाउडर, और ये जो है ये हमने इस सारे मसाले का मिश्रण तैयार किया है, जो पीस के रखा हुआ है। अब हम आप सबसे पहले क्या करेंगे, गैस पर पैन रखते हैं और इसमें तेल डाल लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए इसमें। और जब तक हमारा तेल तैयार होता है, तब तक हम ये मिर्चों की ऐसी दो दो बना लेते हैं, और यहाँ फिर ऐसे छोड़ दीजिए। अब इनके दो दो बना लीजिए चाकू के साथ, ऐसे ऐसे इनको जुड़े रहने दीजिए। और दो दो बनाने के बाद ये देखिए, ये मिर्च हमने काट चुकी। अब सबसे पहले हम तेल में क्या डालेंगे, ये जो हमने साबुत मेथी एक छोटा चम्मच, और उसके बाद छोटा चम्मच आधा राई, और आधा चम्मच सौंफ। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने दीजिए। देखिए अब ये ब्राउन हो रहा है। अब हमने जो मिश्रण तैयार किया है, सौंफ, मेथी और राई, इनके पीस के रखा है। अब एक चम्मच ये डाल दीजिए इसमें, और एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसको हिलाइए। अब आप इसमें ये जो है कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए, और इनको अच्छे से हिलाइए। अब इसमें नमक डालिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और अच्छे से हिलाइए, हिलाते रहिए जब तक ये हल्की हल्की भुन नहीं जाती। जब तक ये हल्की हल्की भुन नहीं जाती, तब तक इसको घुमाते रहिए ताकि जले नहीं। 5-7 मिनट में हमारा ये अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब आप इसको जब मर्जी बना सकती हैं, ये नहीं कि आप बना के रख लो। अगर थोड़ी मिर्ची आए तो आप इसको साथ के साथ भी बना सकती हैं, ज़्यादा भी बना के रख सकती हैं। अब आप गैस बंद कर दीजिए। देखिए हमारा ये हरी मिर्च का अचार बिल्कुल तैयार है, और आप इसको बनाइए और कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कामयाब होंगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार।